सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2023 के सेशन में चाहे हो फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीए बीएससी बीकॉम की बात करें, बैक ईयर ईयरली मोड पे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वालों की बात करें, उन स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो बैक रिजल्ट है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट के बैक लगी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत क्या रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट है, मैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ ये डिस्कस करूँगा कि रिजल्ट आपको कहाँ पर देखना है। ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीकॉम वाले हो बीएससी वाले हो, उन स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, उन स्टूडेंट को क्या करना है वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्मली आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है HDSUB। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आप देख रहे होंगे उस पर नॉर्मली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का होम पेज खुल जाएगा, आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एकेडमिक लिंक में ऑनलाइन रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रिजल्ट करने के बाद सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे देख रहे होगा स्टूडेंट रिजल्ट पोर्टल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना है। यूजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेलेक्ट करना है, सेशन 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ध्यान देना स्टूडेंट, अभी फिलहाल बीएससी और बीकॉम वालों का रिजल्ट आया है और जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं खुल रहा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जैसे आप रोल नंबर डालेंगे स्टूडेंट गेट रिजल्ट आएगा। अगर आपके यहाँ पे रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है तो वो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं इस चीज़ में डिस्कस करूंगा। जैसे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट बैक वालों की, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट की बैक लगी है उनका रिजल्ट आया कि नहीं आया वो भी मैं दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फिलहाल यहाँ पे बैक वालों का रिजल्ट नहीं आया स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर वाले थे फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने दिया था 2023 में उनका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे ईयरली वालों की बात करेंगे तो ईयरली वालों का जो रिजल्ट है स्टूडेंट, आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट रिजल्ट टाइप में यूजी एनुअल मोड आपको सेलेक्ट करना है, 22-23 सेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बीए करना है, थर्ड ईयर करना है और बैक। फिलहाल यहाँ पे बैक रिजल्ट नहीं दिखा रहे स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको रेगुलरली ये साइट चेक करते रहने स्टूडेंट, आपका मे बी रिजल्ट खुल जाएगा। अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं खुला स्टूडेंट। इस महीने के लास्ट तक आपका जो ईयरली मोड पे जिन स्टूडेंट की बैक लगी है फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट की बैक लगी है रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो आप कंटिन्यू साइट को चेक करते रहने स्टूडेंट। बाकी जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उन स्टूडेंट को क्या करना है, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ बोलना है कि सर हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, देन ही आपके यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होगा स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही होगी। और ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर बीए वालों का रिजल्ट पब्लिश होता है या बैक रिजल्ट आपका पब्लिश होता है उसके रिगार्डिंग में फुल वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑलरेडी मैंने बताया था स्टूडेंट एकेडमिक लिंक में ऑनलाइन रिजल्ट पे आप अपने रिजल्ट चेक करते रहना, मैंने बता दिया है कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है ईयरली मोड वालों को। फिलहाल यहाँ पे बैक का रिजल्ट नहीं आया स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको कंटिन्यू साइट चेक करते रहना चाहिए, मे बी इस महीने तक या इस महीने के लास्ट तक आपको रिजल्ट बैक रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे रिजल्ट पब्लिश होता है मैं उसके रिगार्डिंग फुल वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।